गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व्ड सम प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स क्लास फोर्थ चैप्टर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्ड्स एंड व्हील्स। नाउ टुडे वी विल सॉल्व सम फादर प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम चैप्टर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने मैथ्स क्लास फोर्थ का चैप्टर 8, जिसका नाम कार्ड्स एंड व्हील्स है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम इसके कुछ आगे वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो इज इट अ सर्कल, यहाँ पे बोला है क्या ये जो ये बना रहे हैं ये सर्कल है। अभी इसमें क्या है, नैना वाज मेकिंग ए सर्कल। नैना है एक लड़की है जो कि क्या बना रही है, एक सर्कल बना रही है। रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर, किससे बना रही है, कंपास की हेल्प से बना रही है। कंपास की टिप रखी है उसने एक जगह और एक जगह से एक और दूसरे सिरे पे क्या है, पेंसिल है। पेंसिल से वो क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है एक सर्कल। तो तभी क्या हुआ जब वो ये कर रही थी, तो रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर, रवि ने उनसे क्या बोला, मुझे थोड़ा इरेजर दे दीजिए। शी केप्ट हर कंपास एंड गेव हिम द इरेजर। तो जब इरेजर दिया तो उन्होंने अपना कंपास रख दिया, अपना ये काम छोड़ दिया और उनको इरेजर देने लग गई। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने इरेजर दे दिया, देन शी स्टार्टेड अगेन टू कम्प्लीट हर सर्कल बट शी गॉट दिस। अभी उसके बाद जब उन्होंने एक बार बनाना शुरू किया, बीच में रोक दिया, फिर दोबारा उठा के किया, तो उनके क्या हो गए, सेंटर एक की जगह दो हो गए, क्योंकि फिर उनको आइडिया नहीं हुआ कि मैंने कहाँ रखा था, वो भूल गए। इसलिए क्या हुआ, उनका जो सर्कल था नैना का वो इस तरह से हो गया। अभी इसके इससे स्टेटमेंट से आपको ये गेस करना है, व्हाई डिड नैना गेट सच अ ड्राइंग, डिस्कस। कहना सर्कल है मोर देन वन सेंटर, इसमें बोला गया है कि ये इस प्रकार की जो नैना का ये सर्कल बना है, सर्कल की ड्राइंग बनी है, ये क्या कारण हुआ है जो इस प्रकार से बन गया है। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द टिप ऑफ कंपास बाय हर, क्योंकि उन्होंने जो कंपास की टिप थी उसको शिफ्ट कर दिया था। इस प्रकार से लिख लेंगे आप, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द टिप ऑफ कंपास बाय हर। नेक्स्ट, अभी ये बोला है कैन सर्कल है मोर देन वन सेंटर, नो। इसका आंसर होगा नो, एक जो सर्कल होगा उसका केवल एक ही सेंटर होता है, एक से ज्यादा सेंटर नहीं होते हैं। अनदर डे नैना वाज यूजिंग ए कंपास टू मेक सर्कल बट इट केम आउट लाइक दिस। दूसरे दिन फिर उन्होंने दोबारा बनाया और वो क्या बन गया, इस वजह से इस प्रकार से बना। और डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट ए शेप लाइक नैनास। अभी इसमें बोला गया है कि क्या आप में से कभी किसी की इस प्रकार की शेप बनी है। ये क्या है, देखो अलग अलग बना है, बिल्कुल सेंटर नहीं बना, यहाँ से अंदर को चला गया, यहाँ से बाहर को चला गया। तो इसका क्या रीजन है, ये नैना बोल रही है, ओ द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज। क्या होता है, कभी कभी जब हम करते हैं तो बीच में जब हम एक बार करना शुरू करते हैं उसके बाद जो उसका टाइट करने वाला स्क्रू होता है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऐसा सर्कल बन जाता है। लेट मी टाइटन देन, फिर उन्होंने दोबारा उसको टाइट किया, तो जिससे कि क्या हो गया था, नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप, मेरा जो कंपास होगा वो सही से नहीं, माई कंपास विल नॉट स्लिप, मेरा जो कंपास होगा वो क्या होगा, ढीला नहीं होगा, वो बोलती है। तो बार बार टाइट और वो करने से क्या होता है, ये कम जाता हो जाता है, जिस प्रकार से इस प्रकार का आपका सर्कल बन जाता है। नेक्स्ट, फाइंड द सर्कल। सादिक एंड समीना वॉन्ट टू मेक सर्कल्स फॉर देमसेल्फ। सादिक और समीना है, ये दोनों क्या चाहती है, एक सर्कल बनाना चाहती है आपसे मिलकर। आई विल मेक इट विथ ए कंपास। अभी ये बोलते हैं कि मैं इसको कंपास से बनाऊंगा, सादिक बोलते हैं मैं कंपास से बनाऊंगा, और समीना क्या बोलती है, नो आई विल ट्रेस इट विथ अ बैंगल, मैं उसको बैंगल की हेल्प से बनाऊंगी। अब ये बैंगल से बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं, कंपास से बनाते हैं। देन दे कट दियर सर्कल, उसके बाद जो दोनों पेपर में बनाते हैं उस सर्कल को काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सी माई सर्कल हैज अ सेंटर बट वियर इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। अभी ये सादिक जो थे इन्होंने कंपास से बनाया था, तो उनका एक सेंटर जहां पर उसकी टिप हुई थी वहां पर एक निशान बन गया था, जो कि क्या हो गया, उनका सेंटर हो गया। वो बोलते हैं देखो कि मेरे सर्कल में एक सेंटर है, तुम्हारे सर्कल का सेंटर कहाँ है। तो ये क्या बोलते हैं, समीना क्या बोलते हैं, डोंट वरी सी हाउ आई फाइंड इट। वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, देखो मैं इसको कैसे पता करती हूँ। शी फोल्डेड हर सर्कल इनटू हाफ, वो बिल्कुल सीधे में से उसको ऐसे मोड़ देती है, एक के ऊपर एक रख देती है। उसके बाद फिर क्या करती है, देन शी फोल्डेड इट अगेन लाइक दिस, फिर ऊपर वाला जो पूरा हो जाता है उसको और मोड़ देती है। तो फिर उसको जब वो खोलती है, शी ओपेंड द फोल्डेड सर्कल, जब खोलती है तो उसमें टू लाइन्स ड्रॉ हो जाती है, एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल, इस तरह से एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। कैन यू सी द टू क्रीज्ड लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर, वो बोले दो क्रीज्ड वाली लाइन आप देख रहे हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, और जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है वो क्या होता है, सेंटर हो जाता है। वो बोलते हैं यस, फिर वो बोलती है सी आई पुट अ पॉइंट वेयर दीज लाइन्स क्रॉस, दिस इज द
सेंटर ऑफ माई सर्कल. अब जहां पर वो दोनों लाइनों क्रॉस की थी वहां पर उन्होंने एक पॉइंट रख दिया, वो क्या बन गया, उनके सर्कल का सेंटर बन गया. नाउ यू ट्रेस अ सर्कल ऑन अ पेपर यूजिंग अ बैंगल, कट इट, देन फाइंड इट्स सेंटर लाइक समीना डिड. जिस प्रकार से समीना ने किया है उस प्रकार से आपको भी करने के लिए ये बताया गया है इसमें. नाउ नेक्स्ट बैलेंसिंग एक्ट. यहाँ पर बैलेंस के ऊपर बैलेंस कैसे बनाया जाता है ये बताया गया है. कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर, क्या आप एक जो खाने की प्लेट होती है, थाली होती है, उसको अपने उंगली के ऊपर बैलेंस बना के रख सकते हैं, जिससे कि उंगली के ऊपर आपकी टिकी रहे और नीचे ना गिरे. तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पे दिखाया गया, आई विल बैलेंस इट. अब बैलेंस बना रहे हैं मगर ये गिर गया. ओप्स, आई विल ट्राई अगेन. वो दोबारा ट्राई करता हूँ. आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट. वो बोलते हैं बैलेंस बनाने के लिए हमें इसका सेंटर ढूंढना चाहिए. यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लीड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस. ये बोला गया अभी एक प्लेट को या एक जो गोल ढक्कन होता है किसी का, उस पर अपने फिंगर पे बैलेंस बनाने की क्या करिए, कोशिश करिए. अब नेक्स्ट स्पिन द टॉप. अब इसमें क्या है, ये पिक्चर में जाकिर है, अप्पू है, नैना है एंड गुड्डू है, चार बच्चे हैं. वर गोइंग बोर्ड, वो क्या हो रहे हैं, घर के अंदर बोर हो रहे हैं. इट वॉज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले. अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है, कि वो बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं. सडनली अप्पू सेड, तभी अप्पू बोलता है लेट्स ईच मेक अ टॉप, चलो आओ हम सब मिलके एक क्या बनाते हैं, टॉप बनाते हैं. तो दे टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ट्रेस्ड अ सर्कल ऑन इट. वो क्या करते हैं, गत्ते का टुकड़ा लेते हैं, उसमें एक सर्कल बनाते हैं कंपास की मदद से या बंगल की मदद से, फिर उसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं चारों तरफ से. देन दे मेड ए होल एंड पुट अ मैच स्टिक्स इन इट. अब वो क्या करते हैं, उसका जो नीचे उसको कट करके उसका जो सेंटर होता है वहां एक मैच स्टिक्स माचिस की तिली को घुसा देते हैं. नाउ एवरीबॉडी वॉज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स विच लुक्ड लाइक दिस. अभी सभी ने इस प्रकार से उसमें माचिस की तिली घुसा दी है जो जो उन्होंने टॉप बनाया है, और वो सभी बहुत एक्साइटेड हैं कि क्या है कि हम इसको किस प्रकार से घुमाएंगे. अभी आप देखिए जाकिर ने इस प्रकार से घुसाई है इसमें माचिस की तिली, अप्पू ने इस प्रकार से, नैना ने यहाँ और गुड्डू ने यहाँ, सभी में अंतर है. अभी आपको इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन देने, वूज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल. किसका जो जो टॉप है वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा. आप इनको देख के आपको पता चल सकता है ऊपर क्या बोला था, अगर इसको अच्छी तरह से घुमाना है तो जो इसका बैलेंस होता है वो बिल्कुल सेंटर में बनाना पड़ता है, वो तभी खुलेगा. मगर इन्होंने जो इनका बैलेंस बनाया है वो कहाँ कहाँ पर बनाया है देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग किस किस का नहीं घूमेगा. आप देखिए एक फर्स्ट है जाकिर एंड नैना, जाकिर का बिल्कुल साइड में है और नैना का भी बिल्कुल साइड में, तो इन दोनों का बिल्कुल नहीं घूमेगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जाकिर एंड नैना. एंड द नेक्स्ट इज वूज टॉप विल स्पिन अ लिटल. किसका थोड़ा बहुत किसका घूमेगा, थोड़ा सा जिसका घूम सकता है वो कौन है, तो द आंसर इज गुड्डो स्टॉप, क्योंकि इसने बिल्कुल कोने में लगाया, थोड़ा अंदर है. और वूज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, किसका सबसे अच्छा घूमेगा, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा जिसका बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में किसका, अप्पू का. सो द आंसर इज अप्पू. इन वूज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर. अभी सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे ज्यादा सेंटर के बिल्कुल बीच में किसका टॉप है, सो द आंसर इज अप्पू. अप्पू का ही है इसका भी. सो द आंसर इज अगेन अप्पू स्टॉप. अब नेक्स्ट मेक योर ऑन टॉप. इसमें बोला गया है आप भी इस प्रकार से टॉप बनाइए. यू ऑल्सो मेक योर ऑन टॉप एंड प्ले दिस गेम, और इस गेम को खेलिए. टू मेक द टॉप स्पिन वेल, वेयर विल यू मेक द हॉल. और इसमें बोला गया टू मेक द टॉप स्पिन वेल, इस प्रकार बनाइए कि वो अच्छी तरह से घूमे. तो इस प्रकार से आप अगर वो बनाते हैं तो जो आप उसके बीच में हॉल होगा जहां मैच स्टिक्स आप घुमाएंगे वो आप कहां पर बनाएंगे, ये बताया गया. सो बच्चों इसमें समझाया गया किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए उसके ठीक सेंटर में उसका बैलेंस बनाना पड़ता है. तो आप टॉप भी बनाएंगे तो उसके सेंटर में करेंगे. जैसे अगर एक सर्कल बनता है तो बिल्कुल ठीक सर्कल वही बनता है जिसका जो सेंटर होता है एकदम बीचों बीच में होता है, और इसको कंपास से हम बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं. सो द स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली दिस चैप्टर ऑफ मैथ्स. सो यू कैन राइट डाउन द सॉल्यूशंस इन योर fair notebook and send me the photos of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.